उस बंदे लिया वरना असल खराबी। ये मैंने किस्सा याद है, साढ़े मियाँ अब्दुल वहद अल्लाह तला रहमत फरमाया उन्होंने बच्चे इकराम अल्लाह उन्होंने हालात दुरुस्त करे, वो जो ज्यादा फौत हो जनाजे से गए तो मैंने उन्होंने गल सुनाई भी असं उ जो जो बैठे से तो कुछ बंदे जड़े से उन्होंने दसिया भी असं फुला इलाके चो आए दूर तो असं उन्होंने पूछा भी तुम क्यों आए जी की गल तुहाड़ा की तल्लुक है। उन्होंने आख्या यार साढ़े बच्चे ने फांसी दिता ए शर्रे मैद तो शर्रे राशि की गल समझ कि किसी लिए शायद वाकई तकलीफ दे मगर ठीक है। उन्होंने आख्या अं चाहता आए तो साढ़े बच्चे इन्हें फांसी दिता तो मैं आख्या यार तुम बदवा करनी चाहिए। उन्होंने आख्या साढ़े बच्चे ने कतल सचमुच किया अपीलों जड़िया कितियाँ कुछ नहीं बनया अखीर रहम की दरखास्त थी बड़ी पते की गल और मसले में समझने लिए जरा अल्लाह तआला जी कि अल्लाह काम नहीं वह गलत हों ना वो कोई बुर खराब हों किसी नहीं हों जरा उन्होंने तकलीफ होंगी वो अपील होई जिस रहम की असी कोशिश की मिलीए गल कोई ना बने तो सानू फिर किसी बंद ने दसाया बे थोड़ी मुलाकात फलां मस्जिद जी ना वो तहज्जुद के वक्त हो सकती उत्थे उन्होंने तहज्जुद पढ़नी उत्थे तुम छुप जाओ उत्थे मिलना वरना तुम्हारी मुलाकात नहीं होगी। असं उत्थे जाके ना बैठे रह अद्धी रात हुई तो असीं वेख्या सिपाही आ गए उन्होंने अटके पहरा शुरू करता इन्हें चल ज़ियाउल हक याद उन्हें आके ना मस्जिद में झाड़ू दिता आप और फिर बत्ती बुझा के ना तहज्जुद पढ़ रहे असीं बैठे रह लुके तहज्जुद खत्म हुई तो अगे हुआ तो उन्हें पूछा कौन जो तुम्हें असी सारी गल सुना आ किस्सा उस आख्या कि जा खड़े जी इन्हें आख्या मस्जिद ने यह की है अल्लाह का घर तुम कौन जे मुसलमान हूँ इस जगह से खड़े तुम दसो बच्चा तुम्हारा जोड़ा बाकी कातल है। इन्हें आख्या हाँ हैगा कातल उन्हें आख्या जोड़ा कानून च रखिया भी माफ़ी दे दे सदर ये दुनिया का कानून है वारस छड़ देन और शरीयत आँदी है ज़ियाउल हक को कोई इख्तियार नहीं मैं किड़े मूहना वो कातल छड़ दें जिन्हों का मारिया उन्होंने हक से छड़ना मैं नहीं छड़ सकता वो कातल जोड़ा होने पर साडा बच्चा फांसी चढ़ गया मगर वो गल साडे दिल जम गई मैं बिल्कुल नहीं ठीक है किस तरह मैं खुदा के कानून के खिलाफ तुम्हें माफ़ी दे दें यह है शर्रे मैद और शर्रे राशि एक बंदे लिए उन्होंने कोई हादसा हो गया ठीक है उन्होंने तकलीफ हुई है मगर आखिए ना निरा बुरा गलत का यह नहीं बुरे का सानू की पता अल्लाह ताला के सामने अरश तो लैके तख्त सरार हजरत तो लैके अब सारी मिसल है उन्होंने पता बैदा कोई फायदा या नुकसान है सानू नहीं पता और कुरान मजीद ने हजरत मूसा और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का किस्सा सुना सी पढ़ लेने समझते नहीं भी मूसा अलैहिस्सलाम किड्डे मर्तबे दे आदमी किसी ना रब ने इतना गल्लां नहीं कीतियां जिवें मूसा अलैहिस्सलाम ने कीतियां ते उधरों ये बोलते से उधर रब बोलता कल्ला मल्ला मूसा तकलीम अल्लाह ना सच मत मूसा ने इतना ही बातें कीतियां जिवें तुसीं करदे मगर जदों फेरिया नाल वह भी ये होया भी मूसा अलैहिस्सलाम तकरीर की सही बुखारी ने बहुत ज़्यादा तकरीर की असर बड़ा मजमे च होया एक बंदे ने उठ के कहता आम हवाले ना भी मूसा अलैहिस्सलाम तुहाड़ा वड्डा आलम भी कोई हैगा उन्हें इन्होंने जोर च गल गलती कोई नहीं बकर दिन भी उन्होंने आख्या नहीं मेरे तो वड्डा आलम कोई नहीं अल्लाह तआला ने आख्या चल फिर तेन विखाइए तो कुछ नहीं जरा मैं तुम्हें इलम दिता है समुद्र चो खतरा आलम जो मुगे हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को भेज दिता तुहाड़े सामने फिर उन्हें बेड़ी तोड़ी हालांकि उन्होंने मुफ्त चढ़ाया किराया ना लिया इन्हें बेड़ी भन दी मूसा अलैहिस्सलाम क्या यार चंगा काम किया है उन्होंने नेकी की है तू बेड़ी भन दी है बाद बच्चा मार दिता फिर कंध जी से पिंड गया उन्होंने को रोटी मंगी उन्होंने कोई दावत नहीं की उन्होंने कंध टटन लगी से उन्होंने बनाने लग गया कहने के तेरे सारे कम पुटे इन्हें आख्या बस फिर हूँ तेरा मेरा मामला खत्म है तू नहीं मेरा साथ दे सकता तो बाद चला के हुक्म ने दसाया भी रात आए उस बच्चे की दसा भी तेन बच्चे की पई है भी बच्चा मारता ए बच्चा जिंदा रहा तो बड़ा हरामी से माँ बाप बेचारा मुसीबत पाँगा उन्होंने हूँ दुख होया मगर उन्होंने घरों लह गया अरे जी बजाय अल्लाह तआला ने नेक औलाद देनी है जी दुनिया की उन्हें बेहतर होनी तो आखरत ही होनी ये अल्लाह तआला सारी गल्लां तद सुनाइयां भी मैं कोई काम किसी मजबूरी तो या बेवकूफ़ी तो नहीं करता वो कम करना मुनासिब होंगे वो कम की बेहतरी और बच्चा तो हजरत अली रज़ी ने जी हजूर की दुआ पढ़ी इस भी किया तेरे दोहों हाथों खैर ही खैर है चार बुराई कोई नहीं इस लिए हम जराक अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जो मैंने तुहानू पहुँचाया यह बीमारी तो असं परेशान हो चंगा भला यार की हो गया जिन्ना बीमारी जाना सवाब तंदुरुस्ती ये ठीक है भी तंदुरुस्ती सूँ तभी तौर पर पसंद है जिसमें चंकी लगती है आराम ना फिरना
रूहानी तौर से और अकली तौर से जो नफे बीमारी से तंदुरुस्ती जो कोई नबी अलैहिस्सलाम बयान किया सुन लीए तो बंदा कभी भी ना आखे भी की हो गया समझे ये जरिए खनी अल्लाह तला तेरे किन्ने इनाम कर रहे नबी हुरैरा तवा नबी सही दिन नबी सलसल हजरत अबू हुरैरा है हजरत अबू सईद खुदरी फरमाते अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ऐ वेखो ना उत्तों की है सतह से दुख है तकलीफ है थले मोती मोती है काला मा युसीब अल मुस्लिम मिन नसब मिन वला वसब मिन वला हम मिन वला हुज़न वला ज़न वला गम ऐ सारी परेशानियाँ कि मुसलमान नूं अगर कोई थकावट हुंदी है उन्हों कोई बीमारी लग जाती है उन्हों कोई परेशानी हुंदी है कोई गम हुंदा है कोई तकलीफ आउंदी है या होर गम हत शौकत शाकवा हत्ता कि उन्हों किते कंडा भी चुभ जाता ना तो पिटे कोई ना इला कफर अल्लाह बिहा मिन खताया इन्हां सारियां दे सदके अल्लाह तआला उन्हां उहदे बहुत सारे गुनाह चाड़ दिंदा उन्हों पता भी नहीं लगता इत्थे ही माफ़ करन दा ते अगली दुनिया जाके भुगतदा फिरेंगा ए थोड़ी जी तकलीफ वेख ला मैं मुफ्त भी नहीं तैनूं दित्ती इहदे बदाने।